कभी भरोसा था कि कौन बनेगा करोड़पति में हम जाएंगे? इतना भरोसा था कि जब मेहनत हम शिद्दत से कर रहे थे, एक भी एपिसोड में मिस कर रहे थे, तो मेरे को लगता था कि एक ना एक दिन, क्योंकि सपने में भी आता था कि मैं करोड़पति बनूंगा। अच्छा, मतलब सपने में आपको आता था कि करोड़पति बनेंगे? हाँ, जब कॉल आया तो वो सपना और ज्यादा होने लगा, और ज्यादा हो गया। वहाँ जब गए होंगे तो लग रहा होगा कि कौन बनेगा करोड़पति में आए हैं, कम से कम 1 करोड़ जीत कर जाएंगे। सुनने में आ रहा है कि आप ड्राइवरी कर रहे थे। जी, मैं डॉक्टर, एक पर्सनल डॉक्टर साहब की गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा। और 10 से 2 ड्यूटी देने के बाद जो समय बचता है, उस समय में मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा हूँ, बीपीएससी का। कितना रुपया मिलता था उस टाइम ड्राइवरी लाइन में? 10 से 11 हजार हाईएस्ट, मात्र 11 हजार रुपया मिलता था, और एक दिन में 6,40,000 रुपया मिला। तो वो क्या पैसों का, वो मतलब तो खान सर को देखकर आपको लगा कि जितना जल्दी हो सके हम भी केबीसी में पहुंच जाएं, क्योंकि मेरा सपना 8 सालों का, वो तो सेलिब्रिटी में गए थे। अच्छा। और मैं तो एक मेहनत करके जाने की कोशिश कर रहा था, तो लगा कि चलो भाई, मेरा भी, जब मेरा सर जा सकते हैं तो नीचे से चेला भी पहुंच ही जाता है। और 1 महीने के अंदर मैंने केबीसी सेट पर चला गया। अच्छा, मतलब 1 महीने खान सर को नहीं हुए, गुरु को गए हुए नहीं हुआ कि चेला भी 1 महीने के अंदर पहुंच गया। पहुंच गए। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, अगर आपके अंदर हिम्मत और लगन होगी तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और इस पूरे कहावत को सत्य कर दिए हैं सुजीत कुमार, और केबीसी में इनको आप अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर देखे होंगे। सुजीत कुमार हमारे सामने है, और महज एक ड्राइवर थे सुजीत कुमार, ड्राइवरी करते थे, साथ में पढ़ाई भी करते थे। बीपीएससी के तहत इनको ऑफिसर बनने का सपना था, लेकिन उस सपना को साकार करने के लिए इनको ड्राइवरी करना पड़ रहा था। अभी कुछ दिनों पहले इनको आप लोग केबीसी में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर देखे होंगे, और इनसे पूरी जानकारी लेते हैं क्या कुछ इनका बात कैसे किए, क्या कुछ हुआ। सबसे पहले स्वागत है सुजीत जी। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है, इतना मल्टी टैलेंटेड हो गए आप, बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे, ऊपर से ड्राइवरी कर रहे थे, अभी केबीसी में जाकर आपने पैसा भी जीत लिया, कैसा लग रहा है अभी? मेरा नाम सुजीत कुमार, नवादा रो प्रखंड का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मेरी जर्नी बहुत, मतलब एक कठिनाई फूल रहा है। हाँ। लेकिन कह सकते हैं मेरे फैमिली का सपोर्ट था, गार्जियन भी उतना रिचेबल नहीं थे, तो सारे शिक्षा दीक्षा नॉर्मल हुआ। अच्छा। लेकिन फिर मैं अमिताभ सर का फैन भी था, तो पढ़ाई में भी दिलचस्पी। अमिताभ बच्चन के फैन थे? हाँ, शुरुआत से। तो मेरे को लगता था कि मैं उनसे कैसे मिलूं। हाँ। तो मिलने वाले तो हजारों लाइन में खड़े, हम तो बहुत पीछे थे। अच्छा। बहुत पीछे थे, तो लगा कि कैसे आगे हुआ जाए। हाँ। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म केबीसी का उन्होंने चूज, मतलब किया। केबीसी देखते थे तो आपको लगता था कि हम भी केबीसी के हॉट सीट पर बैठे। हाँ, बैठ जाए और अमिताभ सर के मिलने का जो सपना पूरा हो जाए। तो मैंने 2015 से खेलना शुरू किया। अच्छा। और 8 सालों की जर्नी। 2015 से ही आप मोबाइल पर खेलते थे? हाँ, 2015 से ही मोबाइल पर सोनी एप्लीकेशन है, उस पर खेलते थे, और खेलते खेलते हर एक साल रजिस्टर करता था, और लगता था कि इस साल मेरा सिलेक्शन होगा, इस साल होगा, इस साल, इसी जर्नी को पार करते थे। 8 साल बीत गया। 8 साल से आप कौन बनेगा करोड़पति के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन नहीं, सपना पूरा हुआ नहीं। लेकिन वो अंत 2023 4 अक्टूबर का दिन था जब केबीसी द्वारा मुझे संपर्क किया गया। अच्छा, केबीसी के द्वारा आपको इस साल संपर्क किया गया, कितना रुपया जीते? मेरा तो सबसे बड़ा, पैसे तो अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि मेरा स्पेशल एपिसोड धनतेरस मिला। अच्छा। और वो मैं बहुत लकी इंसान हूँ, क्योंकि कहा जाता है धनतेरस में धन की वर्षा होती है। हाँ। और वो मेरे सामने हुआ। मैंने 6 लाख में कौन बनेगा करोड़पति में गए और कितना जीते? 6,40,000। 6,40,000 रुपया आप जीते जी। अच्छा, अब सोचिए, ड्राइवरी करते थे, बीपीएससी करने का सपना था, महज 8 सालों से ये ट्राई कर रहे थे कि कभी केबीसी में जाए, कभी केबीसी में जाए, अमिताभ बच्चन के सामने बैठे, लेकिन इस बार इनको कॉल आया और धनतेरस का जो स्पेशल एपिसोड होता है उस एपिसोड में इनको मौका मिला। जब जब अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि स्वागत है सुजीत जी, कौन बनेगा करोड़पति में, उस समय कैसा लगा? वो पल बीपीएससी शिक्षक भर्ती के एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है, जिसमें 6, 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है, जीएस के साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है, 999 रुपए में। दिए गए नंबर पे संपर्क करें और ऑफिसर्स अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब एक जैसे टीवी गूंजता था ना, उसी तरह कानों में और दिमाग में गूंज रहा था। अच्छा। क्योंकि वो सुनने के लिए मैं वर्षों से इंतजार किया। अच्छा। कि मेरा नाम एबी सर ले कि फर्स्ट फिंगर प्रेस में स्वागत हो। अच्छा। गया, आइए हॉट सीट पर बैठिए। ये मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक पल था। वो एक
भारी भरकम आवाज होता है अमिताभ बच्चन का कौनवर का करोड़पति में, और जब लोग देखते हैं और जब सामने जो होता है काफी डर जाता है उनके आवाज को। आवाज भारी भरकम होते हैं, देखने में लगते हैं कि है क्योंकि वो सदी का महानायक है, बीबी है, लेकिन उतना ही साधारण व्यक्ति है, एकदम नॉर्मल पर्सन है। मतलब हमको बिलीव नहीं हो रहा था कि एज ए फ्रेंड जितने भी बातें बोल दो, जो भी कुछ कह दो, कुछ भी बातें कर लो, बिल्कुल फ्रेंड के जैसा बातें चीतें करना, उनका रिप्लाई देना, मतलब सारा अच्छा लगा। मतलब मिलने से इतना लग रहा था जैसे गले मिल रहे हैं तो फ्रेंड को मिल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले कौन बनेगा करोड़पति में हमारे बिहार के हिसान खान सर गए हुए थे, और तमाम बातें वहां भी हुआ। खान सर भी काफी अच्छा खासा पैसा जीते, और खान सर ने एक लाइफलाइन तक का यूज नहीं किया था। आप लाइफलाइन यूज किए? क्योंकि वो मेरे गुरु है, गुरु तो... खान सर गुरु है आपके? अच्छा, क्योंकि उनसे भी मैं बहुत प्रेरित रहता हूं। अच्छा, बहुत प्रेरित रहता हूं। गुरु के एकदम नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जैसे सर गए केबीसी में, मैं उनको देखा हॉट सीट पे, मैं चौक गया, कह रहे सही तो खान सर पहुंचे हुए। अच्छा, मैंने उस दिन मतलब लग रहा था कि मैं कितना जल्दी अब जाऊं। अच्छा, क्योंकि मेरे सर पहुंच गए तो हम क्यों नहीं, मतलब तो खान सर को देखकर आपको लगा कि जितना जल्दी हो सके हम भी केबीसी में पहुंच जाएं। क्योंकि मेरा सपना 8 सालों का, वो तो सेलिब्रिटी में गए थे। अच्छा, मैं तो एक मेहनत करके जाने की कोशिश कर रहा था, तो लगा कि चलो मेरा भी, जब मेरा सर जा सकते हैं तो नीचे से चेला भी पहुंच ही जाता है। अभी एक महीने के अंदर मैंने केबीसी सेट पर चला गया। अच्छा, मतलब एक महीने खान सर को नहीं हुए, गुरु को गए हुए नहीं हुआ कि चेला भी एक महीना के अंदर पहुंच गया। पहुंच गए। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आप ड्राइवरी कर रहे थे। जी, मैं डॉक्टर, एक पर्सनल डॉक्टर साहब की गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, और 10 से 2 ड्यूटी देने के बाद जो समय बचता है उस समय में मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा हूँ, बीपीएससी का। हाँ। कितना रुपया मिलता था उस टाइम ड्राइवरी लाइन में? 10 से 11 हजार हाईएस्ट, मात्र 11 हजार रुपया मिलता था, और एक दिन में 6,40,000 रुपया मिला। तो वो क्या पैसों का? वो पैसे अभी मतलब उतना ज्यादा नहीं है कि मैं उसे भविष्य सिक्योर कर सकूं। अच्छा, उस पैसे से, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मेरे फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाएगा। हाँ। एजुकेशनल सपोर्ट मिल जाएगा। का सपना है वो पूरा कर पूरा हो जाएगा, और जो थोड़ा समय लगता होने में वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि कुछ कहा जाता है ना कि आप कुछ फाइनेंशियल रूप से मजबूत होने से सब कुछ नजदीक हो जाती है। अच्छा, तो बीपीएससी का कोचिंग वगैरह करते हैं? हाँ, मैंने खान सर का वीडियो से कर रहा हूँ, और कुछ बुक्स वगैरह उसे मैं फॉलो करता हूँ पूरा। अच्छा, जो टीचर फ्री में अगर आपको सपोर्ट करेंगे कोई अच्छा फैकल्टी तो जाइएगा। वो तो सौभाग्य होगा ऐसा मेरा कि ऐसा अपॉर्चुनिटी मेरे को मिले। अच्छा, हाँ। खान सर का ही क्लास दिलवा दिया जाए आपको? खान सर तो फिर तो कहना ही नहीं, क्योंकि अच्छा, खान सर तो खुद उनका हम जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, और खान सर से हम काफी प्रेरित रहते हैं। अच्छा, तमाम लोग जो केबीसी में जाना चाहते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में सुनना चाहते हैं कि सुजीत जी आइए, स्वागत है आपका कौन बनेगा करोड़पति में, जिस अंदाज में अमिताभ बच्चन बोलते हैं, तो उसमें जाने के लिए क्या क्या करना होता है? देखिए, पहले तो आप जैसे केबीसी का सीजन स्टार्ट होता है मार्च अप्रैल मई के आसपास होता है, तो आप उसे सोनी लिप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और जो उसमें रजिस्टर करने में जो आपके डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है सारा फुलफिल कीजिए। केबीसी का टर्म एंड कंडीशन कुछ होता है उसे पूरा करिए, और पूरा करने के बाद हर एक रात 9 बजे सोनी चैनल पे लाइव होता है, और आपके सोनी लिप एप्लीकेशन पे भी वो जो सवाल वहाँ दिया जाता है कंटेस्टेंट को, वो आपके मोबाइल पे आता है, उसे आप रेगुलर खेलिए, सही जवाब दीजिए, तेज जवाब दीजिए, तो आप मतलब खेलते चले जाइए। वो वहाँ रैंडमली सिलेक्शन होता है। अच्छा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में इसे खेला जा रहा है, और एक दो व्यक्ति नहीं खेल रहे हैं, पूरे करोड़ों व्यक्ति इसको खेल रहे हैं। कभी भरोसा था कि कौन बनेगा करोड़पति में हम जाएंगे? इतना भरोसा था कि जब मेहनत हम शिद्दत से कर रहे थे, एक भी एपिसोड नहीं मिस कर रहे थे, तो मेरे को लगता था कि एक ना एक दिन, क्योंकि सपने में भी आता था कि मैं करोड़पति बनूंगा। अच्छा, मतलब सपने में आपको आता था कि करोड़पति बनेंगे? हाँ, जब कॉल आया तो वो सपना और ज्यादा होने लगा, और ज्यादा हो गया। वहाँ जब गए होंगे तो लग रहा होगा कि कौन बनेगा करोड़पति में आए हैं, कम से कम 1 करोड़ जीत कर जाएंगे, ये तो सोच रहे हैं। हाँ, सबको ही चाहत होता है, और मेरा भी चाहत था कि मैं करोड़पति बनकर लौटूं। हाँ। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर है कि मैं जो सपना था वहां तक जाने का, एबी सर से मिलने का, एंजॉय करने का, वो पूरा हो गया। क्योंकि उसमें ज्यादा सबसे ज्यादा मजा आया कि एबी सर ने अपने हाथों से मेरे को सेट पे चाय पिलाया। अमिताभ बच्चन आपको चाय पिलाए? वो भी फिल्मी अंदाज में पिलाया। अच्छा, कैसे? मतलब एक 3:20 का एक पड़ाव होता है, वो पड़ाव होने के बाद एक सुपर संदूक आता है। हाँ। सुपर संदूक में आपको 90 सेकंड में 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता। हाँ, बिल्कुल। तो सर बोले कि 10 में 10 सही करोगे तो आपको डिनर देंगे। बिल्कुल, तो हम कहे सर कि उतना गूगल तो नहीं है, वो भी यहाँ मंच पे बैठ करके। हाँ। नॉर्मल व्यक्ति सवाल पूछता तो कुछ सोच के भी दे देते। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन 90 सेकंड के अंदर 10 सवाल का जवाब दे देना, वो भी विथ ऑप्शन के साथ,
तो हम कह एक दो गलत होगा ही, तो एक दो गलत होने पर क्या किया जाए, तो कुछ सटा वटा किया जाए चाय पानी का। तो बिहारी अंदाज में, क्योंकि सर इस पर कमेंट भी किए थे कि बिहारियों का हिंदी और अंग्रेजी मिक्स होता है ना, तो सुनने में मजा आता है। अच्छा, सुन मतलब बिहारी लैंग्वेज मीठा होता है। हाँ, अच्छा। तो फिर 7 क्वेश्चन मैंने सही किया, 70,000 रुपया अर्न किया उससे भी। और फिर जब 7 क्वेश्चन हुआ तो मैं बोला सर को कि सर अब तो चाय पार्टी बनता है। अच्छा। तो केबीसी की टीम द्वारा सेट पे चाय लाया गया और मैं हॉट सीट जो उतरने लगा, तो ये भी सर कहे कि नहीं 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 आप ठहरिए बैठिए बैठिए, क्योंकि उनके द्वारा और पार्टी दिया जा रहा था। तो उतरे चाय लिए और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में परोसे एकदम बिल्कुल, मतलब वो पल मेरे लिए सपना नहीं, एक ऐतिहासिक पल बन गया मेरा कि शायद पूरे देश का महानायक, सपना था वो सपना साकार हो गया। महानायक बिग बी जो अपने हाथों से फिल्मी स्टाइल में प्रपोज करते हुए चाय पिलाए, वो मेरा सौभाग्य, जो कहीं लाइन में बहुत दूर खड़े थे आज बहुत पास आकर के मैं उस पलों को एंजॉय किया। अच्छा, और कोई सपना है जो अधूरा है अभी? हाँ, मैं अपने फैमिली का, खासकर मेरे पिताजी का सपना था कि मैं एक अधिकारी बनूं, मैं उनका नाम रोशन करूं, तो उस चीज को मैं फोकस करूंगा, मैं अपने सपने को पूरा करूंगा पिताजी के लिए, मैं अपने परिवार के लिए। तो देखिए नवादा का ये लड़का किस तरह से कौन बनेगा करोड़पति में जाता है, और 8 सालों का सपना था कि कौन बनेगा करोड़पति में जाए और अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठ रहे। और देखिए 6,40,000 रुपया जीत कर, महज पैसे तो कम है लेकिन जो ये बोल रहे हैं कि जो सम्मान अमिताभ बच्चन के हाथों से इनको मिला, चाय पार्टी दिए, और एक जो सपना होता है कि अमिताभ बच्चन के सामने बैठे बातें करें, और खासकर सपना तो पूरा हुआ ही, पैसे भी जीते, तो काफी खुशी हो रहा होगा घर परिवार में, पूरा परिवार। शादी विवाह हो गया है? हाँ, मैं अपनी शादी कर चुका हूँ। अच्छा, 2 बच्चे हैं, 1 बेटा 1 बेटी है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं देख सकते हैं, अगर सुजीत कुमार ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और जिस तरह से बताए हैं केबीसी में कैसे जाना है नहीं जाना है, बाकी इनका जो थॉट था अधिकारी बनने का सपना है, खान सर इनको गुरु मानते हैं, बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।